अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? सब भाई ठीक है? मेरे व्यूवर्स वगैरह ठीक हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरी वीडियो नहीं आई, क्योंकि वो मेरा कुछ दिन के लिए बैन हो चुका था अकाउंट। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर आएगी आपके पास वीडियो। तो आज हमारे कुछ दावत है, अफ्तारी और सहरी की। अफ्तारी तो की है, तो सहरी तो मैं घर से ही करूँगा, तो अफ्तारी तो फिर वो दावत है उधर चलेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको मेरी वीडियो का। दिल कर रहा था कबाब खाने के लिए, तो इसलिए मैंने कबाब बनवाए हैं और साथ अंडा है, तो सालन भी है। लेकिन दिल नहीं कर रहा था सालन पे, तो मैंने कहा कि साथ लस्सी है तो मैं सैरी कर लूँ, तो फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, अल्लाह का शुक्र है कि हमने सैरी कर ली है। तो इसके बाद मैं कपड़े चेंज करके, तो मैंने नमाज़ पढ़नी भी है, आगे चलते हैं। सुबह सुबह मिले हैं हमें चांद। चांद बहुत अच्छा काम कर रहा है, पौधों को पानी डाल रहा है। इसके बाद हम चलेंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। मैं वुज़ू कर रहा था तो मुझे मिले हैं टिकटॉक स्टार। हेलो टिकटॉक स्टार, हाँ ठीक है। ये डेली नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, और सब भाई नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा। जो मेरा भाई टिकटॉक टाइप कर रहा है, अल्लाह उसको भी नमाज पढ़ने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फाइनली हम नेमत के घर पहुंच चुके हैं, तो अब हम नेमत के घर ऊपर चलेंगे। तो आज का दिन जौन सा था, काफ़ी अच्छा गुजरा है, और क्योंकि हमने नमाज पढ़ी, सब कुछ किया। लेकिन मैं सब नमाजें तो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर कुछ कमेंट्स करेंगे ऐसे कि आप दिखावा करते हो नमाज का, ये तो मैं नहीं ये दिखाना चाहता। तो बाकी के आज रोज़ा भी काफ़ी 4 बज चुके हैं, तो काफ़ी ना अब पीक पे है, क्योंकि इस वक्त टाइम ऐसा होता है कि आपको ना प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि जितनी प्यास लगे, जितना रोज़ा लगे, तो उतना ही स्वाब होता है। और साथ साथ हमें कुरान पाक की तिलावत भी करनी चाहिए। चलें, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आपको ऊपर चलते हैं, नेमत को मिलते हैं। नेमत कुछ शर्माता बहुत है, लेकिन पता नहीं कैमरे के आगे आता है कि नहीं आता। चलें देखते हैं। हर सिमत उसकी नेमतें, उसका कमाल है। पत्ता भी हिल ना पाए, क्या इसकी मजाल है। नेमत के घर पहुंच गए हैं, तो नेमत से पूछते हैं कि आज हमें क्या खिला रहा है। नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें इसने अफ्तारी पे बुलाया, तो आज हमें क्या खिलाने लगे हैं? ये सारा। अच्छा चलो जी, थैंक यू। तो अब हम अफ्तारी करने के बाद आपसे बात करते हैं। हाँ जी, आपने नहीं खाना? मैं खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हमने अफ्तारी कर चुके हैं, तो अब इतना खा चुके हैं कि हमसे
बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि हमें प्यास ज्यादा लगती है। खाना तो हमने कम ही खाया है तो प्यास ज्यादा लगी है, क्योंकि जब पानी पेट के अंदर चला जाता है तो खाने के लिए फिर भूख रहती ही नहीं है। तो हम नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं और इतना इंतज़ाम करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा खाना था तो नेमत को हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके बाद मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप भी रोज़ा रखें, क्योंकि साल में एक माह ही आता है, क्योंकि आप पता नहीं कितने बुरे काम करते हो, क्या करते हो। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप बुरे हो ये हो, लेकिन कुछ होता है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते साल में, तो एक ऐसा महीना होता है तो इस महीने में हम नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ नेकी तरफ जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें पूरा साल ऐसे ही करना चाहिए। तो हाँ, एक बात भूल गया था शायद आपको याद हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।